तो स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज है 4 जून 2023 और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे उत्तराखंड में मेनली जो कुमाऊं रीजन है हमारा उसकी ट्रेडिशनल फोक आर्ट जिसको एपन भी कहते हैं। और आज मैं उसको अपने घर पे बनाने वाला हूँ। मैंने पहली बार इसको दिल्ली पर ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वैसे मैंने इसको पेपर पर बहुत बार ट्राई किया है। और मैं आपको छोटा सा इसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। एपन जो होता है वो मेनली रेड और वाइट कलर से बनता है, और पहले के टाइम पे जो है इसको लाल रंग की एक मिट्टी हुआ करती थी गेरू, और चावल को भिगो के पानी में उसका पेस्ट बना के उससे बनाया जाता था। लेकिन आजकल इसको जो है पेंट से बनाया जा रहा है, क्योंकि वही कॉमन है, क्योंकि आजकल तो मिट्टी के घर होते नहीं है तो उस पर वो ज़्यादा उभर के भी आता है। तो पहले के टाइम पे क्या करते थे ना लोग कि जो सरफेस जिस पे एपन बनाना है उसको पहले अच्छे से धो लेते थे, साफ कर लेते थे, उसके बाद उसको हल्दी से या फिर गोबर जो गाय का गोबर होता है जिससे कि घर को लीपा जाता है, सब लोगों को पता होगा जो भी पहाड़ी होंगे कि घर को कैसे लीपते हैं, तो सेम प्रोसीजर से फिर उसको भी लीपा जाता है जहाँ पे एपन बनाना होता है। और उसके बाद फिर उस पर गेरू लगा के उसको रात भर सूखने दिया जाता है, फिर अगले दिन जो है उसको बनाया जाता है। और जब आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, कि पहले के टाइम पे तो ब्रश हुआ करते थे नहीं, तो लोग जो है वो अपनी उंगलियों से बनाया करते थे अपन, मतलब जैसे छोटी उंगली हो गई डिटेलिंग के लिए और थंब हो गया फिलिंग के लिए, तो इन सब चीज़ों से मतलब ऐसे तरीके हुआ करते थे। और कुछ कुछ लोग जो थे जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्टिक थे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, तो वो लोग रमहार से पेड़ होता था तो उसको उसको यूज़ करके उसका ब्रश बना के पेंट ब्रश, तो उसको भी यूज़ किया करते थे, मुझे एक बार मम्मी ने बताया था। तो मंदिर पे भी हमने किया है, और ये वाला जो कमरा है जिसकी दहलीज में बना रहा हूँ तो ये मंदिर वाला ही कमरा है, तो इस पर पहले इस पर बनाएंगे, क्योंकि क्योंकि इस वाले कमरे के अंदर मंदिर है ना, मंदिर पे मैंने पहले ही बनाने था। मंदिर के भी मैं क्लिप आपके साथ शेयर करूँगा आप सभी के साथ। तो अभी हम इस पर बनाने वाले हैं, और मैंने तब तक मेजरमेंट ले लेता हूँ और मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस करके रखी हुई है पहले से। प्लीज़ इग्नोर दिस वायर, ये माइक की वायर है तो इसको थोड़ा सा भी इग्नोर ही करना, क्योंकि मेरे को अभी क्लिप मिल नहीं रही थी तो इसको ऐसे ही कर रखना है जस्ट। तो इस पर पहले ऐसे रेड कोट करना होता है, और फिर मैंने ना यहाँ पे बॉक्सेस बना रखे, तो मैं जो डिज़ाइन है मैं कम्प्लीटली, एक चैनल है कुंज आर्टवर्क, तो वो दीदी बनाती हैं, तो उनके आर्टवर्क मतलब बहुत अच्छा है, तो मैंने मतलब कोशिश करी कि मैं सोचा मैंने कि उनसे सीख के मैं भी उनका डिज़ाइन एक बार मतलब बनाने की कोशिश करूं। तो इसका पूरा क्रेडिट उनको जाता है, मैं उनकी एक बार उनके चैनल किया फिर उस वीडियो की लिंक भेज दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको शेयर कर दूँगा, आप ज़रूर देखना उसको भी, और फिर बताना दोनों को देख के कैसा लग रहा है, ठीक है। और ये तीन बॉक्स बना दिए हमने, तीनों बॉक्सेस में हम जो है चरण बनाएंगे, और बाकी जो है हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। और मेक श्योर जब भी आप एपन बना रहे हो, मेनली दिल्ली पे ही बनाया जाता है इसको, तो लेकिन आजकल जो है ना इसको मतलब बहुत सारी जगहों पर बनाने लग गए, जैसे मंदिर पे और दिल्ली पे बनाते हैं इसको वैसे तो रूरल एरियाज में कुमाऊं में, लेकिन आजकल जो है बहुत ट्रेंड में आ रहा है, तो इसको मतलब ऐसे वॉल हैंगिंग्स के तौर पे या फिर जो है ना नेम प्लेट्स के तौर पे भी इसको बनाया जाता है, ताकि और भी अट्रैक्टिव और सुंदर लगे। तो मेक श्योर जब भी आप एपन बना रहे हो तो ना आपके पास कोई लंबी सी चीज़ होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्केल, जिसको कि आप रख के ना लाइनिंग बना सको। और लोग तो वैसे कोन्स बनाते हैं प्लास्टिक शीट के, या फिर टूल्स आते हैं बहुत अतली से उसमें पेंट डाल के बनाया जाता है, लेकिन मैं तो ब्रश ही यूज़ करने वाला हूँ। और मैंने ये एक कार्डबोर्ड ये है और एक कार्डबोर्ड ये ले रखा है, तो इससे मैं जो है लाइन की जो है मार्किंग करूँगा, ठीक है। और बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। Thank you.
आज है डे 3 एफर्ट बनाने का, और आज कल जो मैंने एक चरण बनाया था उसकी वीडियो मैं आपको, मतलब उसकी क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर नहीं पाया था। आज जो बनाऊंगा उसकी आपके साथ क्लिप शेयर करूंगा, क्योंकि कल वो उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था इसलिए वो हो नहीं पाई थी। और अभी आप देखना, और मेजरमेंट भी मैं दिखाऊंगा आपको कि मेजरमेंट आप मतलब कैसे करोगे। ठीक है, कार्डबोर्ड की हेल्प आपको पड़ेगी पड़ेगी इसमें। आप मतलब अगर, क्योंकि एप्पन जो होता है वो बेसिकली उसमें सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, लाइंस, डॉट्स, सर्कल्स, इन सब चीज़ों का ना बहुत मेन कैरेक्टर होता है उस एप्पन आर्ट में। तो कार्डबोर्ड की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, अगर आप टूल्स से बना रहे हो या फिर आप फोन से बना रहे हो, फिर आप ब्रश से बना रहे हो, रादर देन मेकिंग द ट्रेडिशनल वन, अगर आप आर्टिफिशियली बना रहे हो पेंट की हेल्प से, तो आपको कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और मैं भी कहीं कहीं पे यूज़ कर रहा हूँ कार्डबोर्ड, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कार्डबोर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। एक तो मैंने आपको बता दिया था पहले कि क्या कहते हैं, जो लाइन्स आप खींच रहे हो उनके लिए आपको चाहिए कार्डबोर्ड, लेकिन जो मेजरमेंट्स हैं उनके लिए भी चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये कुछ ऐसा लुक है हमारे फर्स्ट चरण का। ये इसका मैं आपको वैसे शॉट दिखा दूंगा, मतलब बैक कैमरा करके मैं आपको बाद में दिखा दूंगा जब भी बन जाएगा। तो एक ये यहाँ पे, एक सेम ऐसा यहाँ पे बनेगा, सेम ऐसे तीन चरण बनेंगे। लेकिन जो कुंजा आर्टवर्क की जो वीडियो थी उसमें 5 चरण थे, क्योंकि उनकी देहरी जो थी थोड़ी लंबी सी थी, तो उसमें 5 चरण थे। और ये जो कमल के जो डिज़ाइन है, ये वाले जो कमल वाले डिज़ाइन है, बीच बीच में हर चरण के बीच में थे। लेकिन मैंने यहाँ पे, मम्मी ने बोला कि इसको बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो आंटी, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा उसको ना मतलब उभर के आता है डिज़ाइन, और वो सुंदर भी लगेगा, क्योंकि फिर हर जगह पे डिज़ाइन हो जाएगा ना, तो फिर वो बहुत भरा भरा सा लगेगा, मतलब थोड़ा सा खाली भी होगा ना, थोड़ा जो बीच का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा उठ के आएगा ऊपर, थोड़ा सुंदर सा लगेगा। और अभी ये बना लिया, अभी हम इस साइड बनाएंगे, ठीक है। बॉर्डर अभी बाकी, बॉर्डर बाकी है ये दोनों साइड में, जहाँ पे दो साइड, मतलब एक साइड पहले ऐसी बॉर्डर बनेगी, फिर उसके ऊपर एक और साइड बनेगी बॉर्डर, ठीक है। और ये एक और इसमें बाकी चरण बचे हुए हैं। कमल के फूल तो हमने बनाए लिए हैं, ये वाला भी बना लिया। और कल जब मैंने ये वाला बनाया था ना चरण, तो मैंने ये भी बना लिया था कमल के फूल वाला, ठीक है। और अब मैं आपको फटाफट अपना और आपका टाइम वेस्ट किए बिना आपको दिखाता हूँ ये चरण बनाना।
दर्पण में मेनली जो होता है डॉट्स और लाइंस का काम होता है, जो बाकी की जो चीजें होती है ना, मतलब वो भी होती हैं, पर जो डॉट्स और लाइंस होती हैं वो प्राइमरी होती हैं, बाकी की जो डिजाइन होते हैं ना वो सेकेंडरी होते हैं। और उत्तराखंड में जो है रेड व्हाइट ग्रीन इन तीन कलर्स का बहुत ज़्यादा, मतलब रेड व्हाइट ग्रीन और येलो, सॉरी इन फोर कलर्स का ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और रेड और वाइट मैंने आपको अपने पिछले मतलब कई वीडियोस में बताया, जैसे निशान में भी उसको यूज़ किया जाता है, निशान में उसको इसलिए यूज़ किया, मतलब रेड और वाइट कलर का मतलब होता है, जैसे रेड का मतलब होता है प्रेम और वाइट का मतलब होता है शांति, सत्य, पवित्रता, तो इसलिए रेड और वाइट कलर का यूज़ किया जाता है। और अर्पण में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो डॉट्स होती हैं, डॉट्स को हिंदू माइथोलॉजी में भी ये माना जाता है कि जो डॉट्स होती हैं वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स होती हैं। और अर्पण में ये माना जाता है कि जो डॉट्स हम बना रहे हैं उसका मतलब होता है सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और उसके आसपास की जो लाइन्स या फिर जो सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं वो उसके आसपास की चीज़ें होती हैं जो कि उससे अट्रैक्टेड होती हैं। और ये बहुत ही मतलब ना एक डीप सिग्निफिकेंट आर्ट है अर्पण, तो इसमें बहुत मतलब बहुत मैसेजेस देती है हमको। और हमेशा अर्पण का सेम डिज़ाइन नहीं होता है, अलग अलग जो ओकेजन्स होते हैं उन अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं अर्पण के, जैसे दिवाली में अलग, पूजन चौकी में अलग होते हैं, नवरात्रि में अलग होते हैं देवी के, और अलग जैसे अलग अलग त्यौहार्स में अलग अलग डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। और अभी मैंने मार्किंग्स मैंने कर ली, आपने देखा होगा पहले, अब मैं इसके ऊपर पेंट करूँगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो मेरे को याद आती जाएंगी वो मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है, और उसके बाद आप इसको देखते जाऊँगा। Thank you.